नमस्कार दोस्तों, अशोक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा बेड स्विच के कनेक्शन के बारे में। बेड स्विच कनेक्शन कैसे होता है, कैसे एक लैंप या फैन किसी भी चीज़ में कनेक्ट कर सकते हो और ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों कैसे कनेक्शन होता है देखिए, ये दो स्क्रू होता है, पहले इसको दो स्क्रू को खोलिए। खुल गया दोस्तों, ये देखिए दो पॉइंट होता है, इसको भी खोलिए। हमारा जो फेज वायर है स्विच के नीचे कनेक्ट कर लीजिए और स्क्रू टाइट करिए। उसके बाद हमारा न्यूट्रल वायर जो है हमेशा डायरेक्ट होता है, लैंप के वायर में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। और जो लैंप का जो फेज हाफ वायर जिसे बोलते हैं, उसे बेड स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे जोड़ देते हैं। देखिए इस तरह कनेक्शन हो गया, न्यूट्रल डायरेक्ट जुड़ गया हमारा, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जुड़ गया और फेजर जो बेड स्विच के सीरीज में जुड़ गया। तो इस तरह इसका कवर बंद कर दीजिए। ये कवर भी बंद हो गया, देखिए कैसे ये ऑपरेट होता है, अभी मैं बताता हूँ। देखिए बेड स्विच कनेक्शन देखिए कैसे ऑन ऑफ हो रहा है। हमारा न्यूट्रल वायर डायरेक्ट हो गया, फेज वायर जो है हमारे सीरीज में लग गया बेड स्विच। तो किसी भी उपकरण में हम यूज कर सकते हैं, पंखा हो, टीवी हो, किसी भी चीज़ में हम बेड स्विच लगा सकते हैं, ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये था बेड स्विच का कनेक्शन। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आगे भी जो नोटिस मिलेगा, आगे भी जो वीडियो बनाऊंगा आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे।